सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम होली से पहले अपना एक खुद का डीजे सेटअप लेना चाहते हैं, यानी हम भी एक डीजे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम किस तरह का टॉप ले और किस तरह का बेस ले ताकि हमारे सेटअप से अच्छे क्वालिटी का आउटपुट मिले और जो हमारे ये सेटअप हो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में अच्छे क्वालिटी का बजे। तो गई सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का कॉम्पिटिशन डीजे सेटअप तैयार करके दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारे भाई लोग का डिमांड होता है, चार टॉप और चार डुअल बेस का। तो कुछ उसी टाइप का सेटअप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बनाकर दिखाने वाला हूं कि कैसा टॉप के अंदर कितने वाटेज का स्पीकर होना चाहिए और बेस के अंदर कितने वाटेज का स्पीकर होना चाहिए ताकि हमारा जब बेस बजे तो काफ़ी ज़्यादा धासु बजे और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का पंच वाइब्रेशन उस वाले बेस के द्वारा सुनने को मिले। और कैसा इस टाइप के टॉप को और इस टाइप के डुअल बेस को चलाने के लिए किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए बेस के लिए और किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए टॉप के लिए, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। साथ ही गाइस यार, इस टाइप के सेटअप को कैसे आप लोग कनेक्शन करेंगे, किस वाले एम्पलीफायर पे टॉप को चलाएंगे चारों और किस वाले एम्पलीफायर पे चारों डुअल बेस को चलाएंगे, पूरी कनेक्शन आप लोगों को इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कहीं सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए कहीं सर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार टॉप और चार डुअल बेस सेटअप के बारे में। तो गाइस सर, इस टाइप के सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप कैबिनेट के ऊपर। तो गाइस सर, यहाँ पर हम JBL मॉडल का SRX 725 15 HE का टॉप कैबिनेट लेने वाले हैं, जो कि ये JBL मॉडल का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग इस वाले कैबिनेट का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इस वाले कैबिनेट के द्वारा रिस्पांस सुनने को मिल जाता है। तो गई सर, इस सेटअप के अंदर हम इस टाइप के चार कैबिनेट का यूज़ करने वाले हैं। तो गई सर, आप लोग हैवी वाटेज का कैबिनेट यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का कैबिनेट बहुत सारे दुकान पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन गई सर, इसी मॉडल में आप लोगों को थोड़ा हाई क्लास का यानी हेवी क्वालिटी का आप लोगों को टॉप कैबिनेट लेना पड़ेगा ताकि उसके अंदर अगर आप लोग हेवी वाटेज का भी 15 HE का स्पीकर यूज करें तो कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अभी सर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के कैबिनेट के अंदर हम कितने वाटेज का और कौन सा कंपनी का स्पीकर डालेंगे ताकि हमारे सेटअप से अच्छे क्वालिटी के आउटपुट यानी साउंड हमें सुनने को मिले। तो गाइस सर, यहां पर हम NX Audio का 15 HE का मिड बेस वाला स्पीकर यूज करने वाले हैं जिसका मॉडल नंबर इंदिरा 156 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर, ये NX Audio का काफी बेहतरीन क्वालिटी का 15 HE का स्पीकर है जो कि इंदिरा सीरीज से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। काफी सारे भाई लोग इस वाले मॉडल का स्पीकर यूज करते हैं कंपटीशन डीजे के लिए, जो कि काफी ज्यादा हेवी वाटेज का ये स्पीकर होता है। अगर हम बात करें इस वाले स्पीकर के पावर रेटिंग के बारे में तो इसका पावर रेटिंग 600 वाटेज देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका म्यूजिकल प्रोग्रामिंग पावर 1200 वाटेज दिया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इसे कंपटीशन में एक स्पीकर के अंदर 100 और 200 वाटेज ज्यादा भी देकर बजाते हैं तो ये स्पीकर जो है बिल्कुल ही नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गाइस सर, अगर आप लोग एक कंपटीशन वाला डीजे सेटअप बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म तक आप लोग अपना डीजे सेटअप चलाना चाहते हैं तो आप लोग एक अपने कंपनी स्पीकर की तरफ जाइएगा तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग लोकल ब्रांड का स्पीकर लेते हैं तो वहां पे जो स्पीकर है लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा और जो उसका क्वालिटी भी है फटा सा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो गाइस सर, ये NX Audio का काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है जिसे आप लोग टॉप में यूज करेंगे तो काफी अच्छी क्वालिटी का रिस्पॉन्स आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। इस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 45 Hz से 25 Hz तक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी दूर तक मिड और बेस फ्रीक्वेंसी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर, इस स्पीकर का सेंसिटिविटी 97 dB देखने को मिल जाएगा। इस स्पीकर के अंदर आप लोगों को 4 HE का वॉइस कॉइल यूज किया गया है। तो गाइस सर, 15 HE स्पीकर के अंदर अगर 4 HE का वॉइस कॉइल देखने को मिलता है तो वह स्पीकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही गाइस सर, इस स्पीकर का इंपीडेंस आप लोगों को 8 ओम देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। तो गाइस सर इस टाइप के हम एक टॉप के अंदर दो स्पीकर यूज करते हैं प्लस में एचएफ यूज करते हैं। तो आप लोगों को इस टाइप के स्पीकर के साथ एचएफ 100 वाट का यूज कीजिएगा तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। अब गाइस सर हम बात करेंगे कि एक टॉप को कंप्लीट करने में कितने वाट्स का ये टॉप हो जाता है। तो गाइस सर अगर आप लोग इस टाइप के दो स्पीकर डालते हैं तो इजीली 1300 वाट्स का टॉप हो जाता है जो कि प्लस में एचएफ इसके अंदर इंक्लूड होगा। और साथ ही गाइस सर एक टॉप का इंपीडेंस 4 ओम हो जाएगा क्योंकि एक स्पीकर 8 ओम का है तो पैरेलल कनेक्शन होता है, आप लोगों को पता ही है, तो इजिली ये 4 ओम हो जाएगा। तो गाइस सर इस टाइप के हम 4 टॉप बनाने वाले हैं। तो गाइस सर आप लोग समझ ही सकते हैं कि 4 ओम टॉप 1300 वाट्स करेगा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बजेगा और काफी दूर तक साउंड क्वालिटी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। साथ ही गाइस सर ये जो सेटअप काफी ज्यादा पंचेबल भी बजने वाला है। अब गाइस सर हम बात करेंगे बेस के ऊपर कि हम यहाँ पर कितने वाट्स का बेस यूज करने वाले हैं। तो गाइस सर बेस स्पीकर लेने से पहले हमें कैबिनेट भी लेना पड़ता है। तो गाइस सर आप लोग JBL की तरफ से ही SRX 728 18 इंची का डुअल बेस कैबिनेट ले सकते हैं जो कि अभी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे भाई लोग इसे भी यूज करते हैं डुअल बेस के लिए जो कि JBL की तरफ से ये आप लोगों को मॉडल देखने को मिल जाता है। डुअल बेस कैबिनेट है तो इसके अंदर दो स्पीकर एक डुअल बेस के अंदर लगता है तो आप लोगों को कैबिनेट का भी क्वालिटी बेस के लिए काफी अच्छा लेना पड़ेगा ताकि अगर आप लोग इसके अंदर 2000 वाटेज या 2500 या 1500 वाटेज का भी स्पीकर यूज करें एक एक तो कोई दिक्कत ना हो। अगर कैबिनेट का क्वालिटी खराब रहेगा तो वहां पे आप लोगों का जो बेस है वहां पे खराब ही क्वालिटी देगा। तो गाइस सर यहां पर हम हेवी क्वालिटी का कैबिनेट यूज करने वाले हैं जो कि बेस के लिए अच्छे क्वालिटी का कैबिनेट लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब गाइस सर हम बात करेंगे कि इस टाइप के कैबिनेट के अंदर हम कितने वाटेज का बेस स्पीकर डालेंगे और साथ ही कौन सा कंपनी का रहेगा। तो गाइस सर यहां पर आप लोग NX IDEO का ही आप लोग स्पीकर डाल सकते हैं जो कि 18 इंची का बेस स्पीकर रहेगा जिसका मॉडल नंबर PD 1855 देखने को मिल जाएगा जो कि इसके मॉडल नंबर से काफी सारे भाई लोग जान गए होंगे कि ये स्पीकर कैसा बजता है। बहुत सारे भाई लोग इस वाले मॉडल का स्पीकर यूज करते हैं जो कि ये NX IDEO की तरफ से देखने को मिल जाएगा। 18 इंची का सबवूफर स्पीकर है जो कि काफी ज्यादा पंचेबल ये बजता है। इस स्पीकर का पावर रेटिंग आप लोगों को 2000 वाट्स आर्मिस में देखने को मिल जाएगा और 4000 वाट्स इसका म्यूजिकल प्रोग्रामिंग पावर होता है। तो गाइस सर आप लोग समझ सकते हैं कि एक स्पीकर 2000 वाट्स का है और इसके अंदर हम दो स्पीकर एक डुअल बेस के अंदर यूज करने वाले हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा एक डुअल बेस होगा जो कि इस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 38 हर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज तक देखने को मिलेगा तो काफी दूर तक आप लोगों को बेस का फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगा। साथ ही गाइस सर इसका सेंसिटिविटी 96.5 dB आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस वाले स्पीकर के वॉइस कॉइल साइज के बारे में तो गाइस सर इस स्पीकर के अंदर आप लोगों को 5 इंची का वॉइस कॉइल यूज किया गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि 18 इंची बेस के अंदर अगर 5 इंची का वॉइस कॉइल होता है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि 5 इंची का जो वॉइस कॉइल होता है काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा और सामने से काफी अच्छे क्वालिटी के 5 वाइब्रेशन भी निकाल कर दे देता है। इस स्पीकर का भी इंपीडेंस 8 ओम है जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। तो गाइस सर एक डुअल बेस को कंप्लीट करने में 2 स्पीकर लगता है तो टोटल एक डुअल बेस का वाटेज आप लोगों का हो जाएगा 4000 वाटेज और इसका जो इंपीडेंस होगा 4 ओम होगा। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि एक डुअल बेस 4000 वाट्स का और जो कि इसके अंदर हम 2000 वाट्स का 2 स्पीकर यूज किया है जो कि पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से 4 ओम है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के 4 डुअल बेस बजने वाला है तो काफी ज्यादा शानदार आप लोगों को बेस पंच सुनने को मिलेगा जो कि इस सेटअप के अंदर सामने से कोई भी बंदा नहीं आएगा, बिल्कुल ही झटका सा आप लोगों को फील छाती पे लगेगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इसका बेस इस वाले सेटअप के अंदर मिलने वाला है। तो गाइस सर इस टाइप के 4 टॉप को चलाने के लिए हम यहाँ पर जो एम्पलीफायर यूज करने वाले वो स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर रहेगा जिसका मॉडल नंबर PA6.0 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर ये स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज का काफी बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर माना जाता है जो कि काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड होता है जो कि ये पी सीरीज का काफी ज्यादा ताकतवर एम्पलीफायर होता है। इस एम्पलीफायर का पावर आउटपुट आप लोगों को 2 ओम पे 3000 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देता है और 4 ओम पे 2000 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देता है और 8 ओम पे 1300 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देता है। तो गाइस सर इस वाले एम्पलीफायर पे हम 4 ओम टॉप को चलाने वाले हैं तो न तो यहाँ पर हम 4 ओम यूज करेंगे और ना ही 8 ओम यूज करेंगे क्योंकि हम इसे फुल लोड पे चलाएंगे तो यहाँ पर मेरा 2 ओम का ही पावर कम आएगा जो कि एम्पलीफायर 2 ओम पे 3000 वाट्स निकाल कर दे रहा है। इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर 400 है जो कि टॉप के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है और गाइस सर इस एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोगों को 37 kg देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर इस टाइप के हम एक ही एम्पलीफायर को यूज करेंगे जो कि एक ही एम्पलीफायर पे 4 ओम टॉप चल जाएगा। अब गाइस सर हम बात करेंगे
कि जो डुअल बेस मेरा है जो उसको चलाने के लिए हम कितने वाट कैनन फायर यूज़ करेंगे। तो गाइस सर डुअल बेस जो मेरा है काफ़ी ज़्यादा हैवी वाट का और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इस टाइप के बेस को चलाने के लिए आप लोग जेपर लैब्स का जेड सीरीज का एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर Z8 देखने को मिल जाएगा, जो कि एम्पलीफायर बेस चलाने के लिए बनाया जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बेस स्पीकर के द्वारा सुनने को मिल जाता है। और कहीं सर हम बात करें इस वाले एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में, तो कहीं सर इस एम्पलीफायर का पावर आउटपुट आप लोगों को 8 ओम पे 2450 वाट दोनों चैनल पे देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 4000 वाट दोनों चैनल पे निकाल कर दे देता है और 2 ओम पे 3200 वाट दोनों चैनल पे निकाल कर दे देता है। तो कहीं सर इस एम्पलीफायर के अंदर ना ही हमें 8 ओम का काम है और ना ही हमें 2 ओम का काम है, केवल हम यहाँ पर 4 ओम पे चलाने वाले हैं, जो कि आप लोग को पता है कि एक डुअल बेस 4 ओम इम्पीडेंस का ही है। और सर इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर 1000 है, तो बेस को काफी अच्छे तरीके से बजाएगा। जिस भी एम्पलीफायर के अंदर डंपिंग फैक्टर ज्यादा होता है तो उसमें बेस का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलता है। साथ ही सर ये जो जिपर लैब्स का ये जो एम्पलीफायर होता है बेस के लिए बनाया जाता है, जो कि इसके अंदर एक्सट्रीम बेस पावर आप लोगों को सुनने को मिल जाता है। गई सर ये जो एम्पलीफायर क्लास डी से आता है, जो कि काफी अच्छा है। और गई सर इस एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोगों को 38 kg 500 ग्राम देखने को मिल जाएगा। अब गई सर हम बात करेंगे कि इस टाइप के सेटअप को ऑडियो क्वालिटी मिक्स करने के लिए हमें किस तरह का ऑडियो मिक्सर लेना चाहिए, तो गई सर मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग डीजे के लिए केवल यूज करने के लिए लेना चाहते हैं मिक्सर, तो इजिली आप लोग फोनी के तरफ से डीजे मिक्सर ले पाएंगे, जिसका मॉडल नंबर MX300 देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 चैनल का मिक्सर होता है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट होता है। चलिए गई सर हम बात कर लेते हैं सेटअप का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो गई सर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के कनेक्शन के ऊपर। तो गई सर यहाँ पर जो मेरा एक टॉप पर है 1300 वाट का है, जिसका इम्पीडेंस हमें 4 ओम देखने को मिल रहा है। तो गई सर इस टाइप के हम 4 टॉप यूज करने वाले हैं इस वाले पी सीरीज के 6.0 एम्पलीफायर पे, जो कि स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर है। तो गई सर ये जो एम्पलीफायर है 2 ओम पे 3000 वाट निकाल कर दे रहा है। तो गई सर जब हम दोनों ही टॉप को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो इजीली वो 4 ओम हो जाएगा 2 ओम और उसका वाटेज हो जाएगा 1300 × 2600 वाटेज। तो गई सर यहाँ पर एक चैनल पे 400 और 300 वाटेज हेडरूम ज्यादा रहेगा, तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। तो गई सर इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि आप लोग एक चैनल पे इस टाइप के 2 टॉप को कनेक्शन करना है, जो कि 2 ओम पे चलेगा, काफी अच्छे क्वालिटी के आउटपुट मिलेंगे। साथ ही गई सर दूसरे चैनल पे भी आप लोगों को 2 टॉप को कनेक्शन कर लेना है, जो कि 2 ओम पे अच्छे क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा, यानी एक एक चैनल पे 2-2 टॉप चलेगा, तो काफी ये बेस्ट है, जो कि इस वाले एम्पलीफायर पे 4 टॉप 1300 वाट का चलाएंगे। अगर आप लोगों के पास 1400 और 1500 वाट का पहले सेट ऑफ है तो इस वाले एम्पलीफायर पे चलाएंगे, काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी का आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और गई सर हम बात करेंगे कि जो मेरा बेस है उसका हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो गई सर यहाँ पर जिपर लैब जो एम्पलीफायर है इस टाइप के हम 2 एम्पलीफायर को यूज करने वाले हैं, तो एक एम्पलीफायर पे 2 डुअल बेस चलेगा। कैसे चलेगा, एक जो डुअल बेस हो रहा है 4000 वाट का है, जिसका इम्पीडेंस हमें 4 ओम देखने को मिल जाता है डुअल बेस का। तो गई सर ये जो एम्पलीफायर है 4 ओम पे 4000 वाट निकाल कर दे रहा है, तो इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि आप लोगों को एक चैनल पे एक डुअल बेस को कनेक्शन करना है और दूसरे चैनल पे एक डुअल बेस को कनेक्शन करना है, जो कि 4 ओम पे 4000 वाट निकाल कर दे रहा है और 4000 वाट का आपका डुअल बेस भी हो रहा है, तो काफी ज्यादा परफेक्ट मैचिंग है। अच्छे क्वालिटी के पंच वाइब्रेशन इस वाले एम्पलीफायर के द्वारा और स्पीकर के द्वारा सुनने को मिल जाएगा, जो कि मैच स्पीकर होता है और मैच पावर मिलता है, तो काफी अच्छे क्वालिटी के पावर आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। तो कि सर इसी तरह से आप लोग दूसरे एम्पलीफायर पे भी 2 डुअल बेस एक एक चैनल पे कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए भी सर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के सेटअप को पावर देने के लिए हमें किस तरह का डीजी सेट लेना चाहिए। तो गई सर आप लोग इस टाइप के सेटअप को चलाने के लिए इजीली 25 kVA का डीजी सेट लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। या गई सर आप लोग 2 जनरेटर भी ले सकते हैं, जो कि 15 kVA का यूज़ कीजिएगा, तो अच्छे क्वालिटी के आउटपुट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं वहां पे तुरंत ही आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो चलिए गई सर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।